नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बिग बॉस के विजेता के साथ एक मंच पर थे। उत्साह देखिए खट्टर साहब का, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये भीड़ उनका स्वागत कर रही है, जबकि वो नहीं जानते कि इस भीड़ को आपसे कोई लेना देना नहीं है। खट्टर साहब, ये भीड़ बिग बॉस विजेता का स्वागत कर रही है जिसकी जबरदस्त फॉलोइंग है। मगर आज मैं आपके सामने जो सवाल रख रहा हूं इस पर गौर कीजिएगा। इन तस्वीरों को देखिए। हरियाणा की पृष्ठभूमि से ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने जलील किया था, और ये महिला पहलवान उतरी थी मैदान में अपनी कुछ मांगों के साथ, क्या खट्टर साहब ने इन्हें एक मिनट का वक्त भी दिया? ये वो महिला पहलवान है जिन्होंने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया मेडल जीतकर, मगर इस तरह से उन्हें सड़क पर घसीटा गया था। मनोहर लाल खट्टर सरकार के मंत्री इनके बारे में आप शब्द बोलते रहे, मगर मजाल है साहब कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक भी शब्द उनके समर्थन में कहें। मगर वो आते हैं बिग बॉस विजेता के पक्ष में। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। कौन है ये बिग बॉस विजेता? ये बिग बॉस विजेता जिसका नाम एल्विश यादव है, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा है। जगह जगह भाजपा के नेता इसका प्रचार और प्रसार करते हैं, क्योंकि ये उनके खुल के पक्ष में बयान देता है। यह हमारे किसानों के बारे में अनर्गल बातें करता है, ये महिलाओं के बारे में अपशब्द कहता है, ये माइनॉरिटीज के बारे में अपने कंटेंट में वाहियात बातें करता है। और जाहिर सी बात है, जब वो ये तमाम बातें करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा होना लाजमी है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम की बात करते हैं, मगर ये आसान सी बात नहीं समझ पाते कि सिस्टम की जब तुम बात करते हो तो सिस्टम पर सवाल उठाना सीखो। सिस्टम के साथ तो कोई भी बह सकता है, भीड़ के साथ तो कोई भी बह सकता है। सत्ताधारी का चाटुकार बनना, उनके सामने नतमस्तक होना तो कोई भी कर सकता है, अगर हिम्मत है तो सिस्टम की कुरीतियों पर सवाल उठाना सीखो, सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाना सीखो। जो समाज का दबा कुचला है उसके लिए आवाज बुलंद करना सीखो। सत्ता का चाटुकार और नफरती तो कोई भी बन सकता है। मनोहर लाल खट्टर ने मंच से उस व्यक्ति का सम्मान किया जो महिलाओं के बारे में भी निहायत ही अनर्गल बयान करते रहता है, और स्वरा भास्कर ने बाकायदा इस व्यक्ति की शिकायत तक की थी, और इसके अलावा यह व्यक्ति लगातार अनर्गल बोलता रहा। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा ही मीडिया चाहिए। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। पिछले कुछ दिनों से बियर बाइसेप्स नाम के इस इन्फ्लुएंसर को भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार तंत्र है वो लगातार प्रमोट कर रहा है। चाहे पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी हो, एस जयशंकर हो, सब इसे जोरों से प्रमोट कर रहे हैं। आप जानते हैं इसने अपने कार्यक्रम में एक भड़काऊ सवाल पूछा एक वाहियात भाजपाई समर्थक से, और वो सवाल ये पूछा गया कि भाई ऐसे कौन से तीन लोग हैं जिन्हें देश से निकाल देना चाहिए, यानी कि ऐसा सवाल करना जिसमें आप तीन लोगों के खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहे हो, उनकी डिजिटल मॉब लिंचिंग कर रहे हैं आप। इनमें से दो इतिहासविदों का नाम लिया और एक महिला पत्रकार का। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप किसी से ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, मगर क्या किसी के खिलाफ भीड़ खड़ी करना यह जायज है? किसी को मौत की तरफ ढकेलना क्या यह जायज है? भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है, मगर इन इन्फ्लुएंसर्स को समझना पड़ेगा कि जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हो गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर तुम्हें फेंक दिया जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अभी आज तक में दो दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ, एक पालतू पत्रकार ने स्मृति ईरानी से सिर्फ इतना सवाल पूछा कि मैडम टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, आपके घर पर भी कोई असर पड़ता है? सामान्य सवाल। स्मृति जी बौखला गई,
निजी सवाल मत पूछो, और फिर यह तक कह दिया कि अगर मैं आपके जेल के बारे में सवाल पूछूं। दरअसल जिस पत्रकार से सवाल पूछा गया वो करीब 2 हफ्ते तक जेल में बंद था, क्योंकि एक वीडियो में वो कथित तौर पर वसूली करते पकड़ा गया था। ये उसका इतिहास है। अब जाहिर सी बात है, उन मुद्दों पर सरकार दबिश ना डाले, पिछले 9 साल में वो भाजपा की अच्छे से सेवा कर रहा है। माइनॉरिटीज को गाली देना, जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उन्हें गाली देना, भाजपा की सेवा करना, मगर इस तमाम सेवा के बावजूद इस कदर जलील किया स्मृति ईरानी ने। जिस दिन तुम्हारा काम निकल जाएगा इसी तरह से फेंक दिए जाओगे, और यह बात हर उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा जो ताकतवर से सवाल नहीं करता, जो सत्ता से सवाल नहीं करता है। मैंने कहा ना, सिस्टम की बात करना बहुत आसान है, सिस्टम से सवाल करना पूछो। सिस्टम की खामियों की तरफ अपने समर्थकों का ध्यान खींचो, क्योंकि बहती धारा में तो हर कोई बह सकता है। मजा तब आएगा जब उस बहती धारा के खिलाफ चलना सीखो, मगर इनमें से ऐसा कोई नहीं जो कर सकता है, ना वो बिग बॉस का विजेता, ना वो इन्फ्लुएंसर, और ना वो पालतू पत्रकार, जो तीनों मिसालें मैंने आपके सामने दी। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे ही मीडिया चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? कुछ और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। यह तस्वीर देख रहे हैं आप, 70 साल के ऊपर के रजनीकांत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पांव पड़ रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें कौन से संस्कार हैं? रजनीकांत उम्र में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बड़े हैं ना, पांव क्यों पड़ा जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक धार्मिक व्यक्ति हैं? हो सकता है कि वो महाराज हों, एक मठ के, एक मंदिर के महाराज हों, मगर जब आप सत्ता का दामन थाम लेते हैं, जब आप ANI के लिए च शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब आप एक मंच पर खड़े होकर चुनावों को 80% बनाम 20% बताते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, तब धर्म का आपसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। तो आज की तारीख में जो लोग इस तस्वीर का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें रजनीकांत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने इस तरह से सिर झुका रहे हैं, रजनीकांत सिर्फ ताकत के सामने सिर झुका रहे हैं, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का धार्मिक अवतार नहीं है, यहां पर सिर्फ एक सुपरस्टार, एक ताकतवर व्यक्ति के सामने सिर झुका रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने सिर नहीं झुकाएंगे तो आपका वही हश्र होगा जो सिद्दीक कप्पन का हुआ। वो सिद्दीक कप्पन जो अपना काम करने के लिए हाथरस जा रहे थे और उन पर दबिश डाली गई, 2 साल तक ये पत्रकार जेल में बंद रहा। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि न्यूज क्लिक नहीं, ये लेख किया है जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मीडिया पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी, प्रेस पर निगरानी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया, नकारात्मक खबरों के नाम पर आलोचनात्मक पत्रकारिता पर नियंत्रण का प्रयास। उत्तर प्रदेश में अब सरकार के विरुद्ध नकारात्मक खबर लिखने पर अखबार को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों को शासन और प्रशासन की छवि खराब करने वाले खबरों पर नजर रखने का आदेश हुआ है। राज्य के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को एक पत्र भेजकर कहा है कि दैनिक समाचार पत्रों और मीडिया माध्यमों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों का संग्रहण सूचना विभाग द्वारा किया जाता है। इन नकारात्मक समाचारों के तथ्यों की त्वरित जांच होना आवश्यक है, क्योंकि इन समाचारों से शासन की छवि खराब होती है। और यह फरमान दोस्तों जारी किया गया है, यह है वो फरमान जिसमें तमाम बातें संजय प्रसाद ने कही है, जो कि राज्य के प्रमुख सचिव हैं। अब आप समझ सकते हैं कि रजनीकांत जैसे महानुभव क्यों झुकते हैं उनके सामने। अब आप समझ सकते हैं कि सिद्दीक कप्पन पर इस तरह से कार्रवाई क्यों की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर पत्रकार मिड डे मील स्कीम्स पर सवाल उठाता है तो किस तरह से पवन जायसवाल पर दबिश डाली जाती है। ऐसी ढेरों मिसालें आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगी। ऐसा ही तो मीडिया भारतीय जनता पार्टी को चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी इतनी महान पॉलिटिकल पार्टी है कि इनसे सवाल करने वाले की, हर व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म करने की ये लोग पुरजोर प्रयास करते हैं। रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व चेयरमैन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन, इन पर भी हमला किया जा रहा है। रघुराम राजन वो शख्स हैं दोस्तों जो मोदी सरकार के साथ भी काम कर चुके हैं। इनके बारे में एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट और मौजूदा सरकार में अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन्स पर। रघुराम राजन इकोनॉमिक सेंस भूल गए हैं, वे नेता बन गए हैं, उन्हें अब चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह से रघुराम राजन पर हमला किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर जाकर नारेबाजी ना करे तो क्या वो अपना सेंस भूल जाता है? सेंस कौन भूल गया है अश्विनी वैष्णव जी, ये बतलाने का प्रयास करें, ये बतलाने का कष्ट करें। यानी कि एक रेल दुर्घटना होती है जिसमें करीब 280 लोग मारे जाते हैं, वहां पहुंचकर भी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए आप पूरी फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये नारे लगाने से आपकी कमियां छुप जाएंगी। जो लोग आपके इस्तीफे की बात करते हैं उनके खिलाफ प्रचार चलाया जाता है। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है अश्विनी वैष्णव जी, और आपकी हिमाकत कि आप रघुराम राजन पर सवाल उठाएं, बिल्कुल उठाएं, अर्थशास्त्र के मुद्दे पर तर्क करें, मगर यह कहना कि वो चुनाव लड़ लें, आप अपने गिरेबान में तो झांकिए। आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मैनेजमेंट विजर्ड रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज में आपने काम किया है, और यहां आकर क्या कर रहे हैं आप? मंच पर खड़े होकर अनर्गल बातें, अनर्गल नारे आप लगाते रहते हैं। इसीलिए रघुराम राजन पर टिप्पणी करने का आप नैतिक अधिकार खो चुके हैं। हकीकत यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ही मीडिया, ऐसे ही अभिनेता चाहिए जो उनके सामने नतमस्तक हों, जो उनका प्रचार आगे फैलाएं, क्योंकि अगर इनसे सवाल किया जाएगा तो उन्हें देशद्रोही बता दिया जाएगा, चाइनीज एजेंट बता दिया जाएगा, अपने पसंदीदा न्यूज चैनल्स के जरिए पत्रकारों के खिलाफ झूठा प्रचार करवाया जाएगा। जी हां, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि किस तरह से एक बड़े न्यूज चैनल ने पिछले रविवार को मेरे खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार चलाया था, चंद सिक्के, चंद पैसे उन ट्विटर भिखारियों के सामने, या अब तो ट्विटर एक्स हो गया है, उनके सामने फेंक के। एक एक चीज जानता हूं मैं, मगर सत्ता से सवाल करता रहूंगा, सिस्टम की खामियों को आपके सामने लाता रहूंगा, क्योंकि असली व्यक्ति, असली इन्फ्लुएंसर वही है जो सिस्टम की कुरीतियों पर सवाल करे। बहती गंगा में तो हर कोई हाथ धो सकता है। अब इशार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।